इधर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष महन मायावती जी ने आज सुबह सुबह ही समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी की रही पुरानी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ से नई मांग कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से आज एक बड़ी मांग करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाने के अंदर मदद करनी चाहिए, दूसरी जगह हमारा कार्यालय बनना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से लिखा, बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास पुल ऊंचा पुल बनाने का कर्तव्य भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा था। पार्ट साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब अधिकतर बैठ के अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पर पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी बसपा कार्यालय के स्थान पर अनंतर सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना यहाँ फिर कोई भी अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार को निपटना चाहिए। अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी अपने कार्यालय को लेकर कह रही है कि उन्हें जो उनका बहुजन समाज पार्टी का जो बसपा का कार्यालय उस पर भी आपको बता दें कि सुरक्षा के चलते डर लगता है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी जगह पर सुरक्षित स्थान है वो देना चाहिए। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार से आज सुबह सुबह मांग की है। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है और लगातार बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी अपनी सभी बैठक जो है अपने आवास पर ही करती है। लगातार उनके सुरक्षा कर्मियों की वजह से उनसे मिलना और उनके स्टेज जब वो चुनावी जनसभा करती है तब भी उनसे मिलना किसी भी नेता के लिए या किसी कार्यकर्ता के लिए एक टेढ़ी खीर से कम नहीं है। कुल मिलाकर बात साफ है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी की रीति और नीति और किस तरीके का प्रयास रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव के ऊपर ये निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ से जो बड़ी मांग की है अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ इस बड़ी मांग को मानते हैं या नहीं मानते।